Dear students, today we will discuss some more objectives of the same chapter linear equation in two variable. आज के इस वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर जरूर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। पिछले लेक्चर में हमने दो ही ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे और बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गए। इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कुछ और ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज हियर, तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है द लीनियर इक्वेशन बी वाई इज इक्वल टू सी वाई, बी सी आर रियल नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपके पास क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव का। इसके ऑप्शन इज, रिमेम्बर दिस क्वेश्चन इज द लीनियर इक्वेशन बी वाई इज इक्वल टू सी वाई, बी सी आर रियल नंबर्स, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑप्शन इज कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम दो चार ऑप्शन देंगे, पर्टिकुलर ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन हम मान के चले, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन ए प्लेन। रिमेंबर दिस, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकेंड, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है, रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स कर्व इन ए प्लेन। रिमेंबर दिस, जब आपके पास इस तरह का लीनियर इक्वेशन होगा, इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, तब जाके फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। बट दिस पर्टिकुलर बी वाई इज इक्वल टू सी रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया, फर्स्ट ऑप्शन जो हमने डाल दिया ए पार्ट, वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव है, द लीनियर इक्वेशन। अभी हम ले रहे हैं द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हम ले रहे हैं, लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। ए बी आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब आपके पास एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन होगा, लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, ए बी आर रियल नंबर्स, जो भी वैल्यू होंगे ए बी के इज इक्वल टू जीरो, तब जाके इसके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, रिप्रेजेंट से स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, रिमेंबर दिस। सेकेंड, रिप्रेजेंट से स्ट्रेट लाइन डज नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन, इस तरह ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, रिप्रेजेंट से स्ट्रेट लाइन मे आर मे नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव वहां पे होगा, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तब जाके फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। तीनों ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में पासिस थ्रू ओरिजिन, सेकेंड ऑप्शन में वो लाइन डज नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन, एंड थर्ड ऑप्शन में मे आर मे नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। ए बी का जो भी वैल्यू होगा, पर्टिकुलर केस इसका बन सकता है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू जीरो, ये भी स्ट्रेट लाइन है पासिस थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फिफ्थ वन ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम लेंगे लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, यहां पे हम लेंगे सी, यहां पे लेंगे हम सी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इस तरह आ सकता है, सी बिलोंग्स टू आर, सी इज आल्सो रियल नंबर, सी इज आल्सो रियल नंबर। उस केस में हम ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन है रिप्रेजेंट से स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन तो है ही, इट रिप्रेजेंट से स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पास थ्रू ओरिजिन। सेकेंड है, रिप्रेजेंट से स्ट्रेट लाइन डज नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन, डज नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन। थर्ड ऑप्शन है, रिप्रेजेंट से स्ट्रेट लाइन मे आर मे नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन। डियर स्टूडेंट, यहां पे